हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ग्लोबल एक्टिविटीज़। तो मेरे दोस्त ने एक मेरे व्यूअर्स ने एक कमेंट किया है मुझे, मेरा कोलर मशीन से जब भी चलाने का टाइम उसका चावल का साथ ढाट भी आ जाता है, तो मेरा भी इस तरह की अभी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो किस तरह इसको मैं ठीक करना वो दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो फाइनली हमको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले ये हमको खोलना होगा होलर, और इसमें एक ब्लेड होता है तो उसको चेंज करना होगा, जो कि पुराना ब्लेड है मेरा, तो उसको पहले मैं चेंज कर लेता हूँ और आपको दिखाऊंगा किस तरह आपको ठीक करना है, जो कि अपना होलर से चावल का साथ धान भी निकाल कर जाते हैं, तो उसको किस तरह ठीक करना है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरा ब्लेड है मैं नया लेके आ चुकी है, तो इसको मैं चेंज करके दिखाऊंगा आपको। तो पहले करना क्या होगा, हमें ये जो आप दिख रहे होगा इसको खोलना होगा, उसके बाद ये ब्लेड को निकाल के आपको चेंज करना होगा। ये जो नया वाला है, नया वाला मैं आपको दिखाऊंगा लगा के। ठीक है दोस्तों, चलो पहले मैं खोल लेता हूँ इसको, नज़दीक लेके आया हूँ मैं, और मेरा हाथ भी एक स्पिनर है तो इसको मैं पहले खोल लेता हूँ। तो इस तरह से खोलना होगा दोस्त हमें अपने होलर को। ठीक है दोस्तों, लूज़ कर दिया मैंने पूरी तरह से, फिर आपको हाथ से खोल के तो इस तरह से खोल लिया है मैंने इसको, इस तरह से मैं पीछे की तरफ इसको दे दिया है। तो ये जो ब्लेड आप देख रहे होगा, इसी ब्लेड को हमें बदलना होगा। तो काफ़ी ठीक है ब्लेड, इतना भी ख़राब नहीं हुआ ब्लेड हमारा, तो इसको बदलना होगा हमें। ये ब्लेड पुराना है हो चुकी है, तो आपका ये दिख रहा है इस तरफ से टूटा हुआ है, तो इस तरह से कभी कभी टूट जाता है, तो उसी वजह से आपका चावल का साथ धान निकल कर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसको बदलना होगा, मैं नया लगा दिखाऊंगा आपको। पहले आपको इसको मैं सफ़ा कर लेता हूँ, और एक बार दिख रहेगा मेरे हाथ में एक नया है और एक पुराना है, फिर इसको मैं इसमें खड़ा करके रखती हूँ और नया को निकल दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी जो कि नया वाला है मेरा, जो आप देख रहे होगा ये ब्लेड मिसिंग होता है कि नहीं देखता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल एक ही है, तो आप देख रहे होगा मेरा पुराना है, तो पुराना इस तरफ से टूट सकी तो थोड़ा कहीं कहीं बीच बीच में अब जो दिख रहे होगा ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह से खा चुके, तो उसी वजह से शायद चाल का साथ ढंग भी निकल कर जाता है, तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, और आप ये नया वाला दिख रहे होगा, ये नया वाला है, तो नया वाला कहीं से भी खाया टूटा वोटा नहीं है, तो आप दिख रहे होगा पूरी तरह से। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको अभी चेंज लगा के लिखाऊंगा आपको। तो इस तरह से आपको पहले जो दिख रहे होगा, आप यहाँ जहाँ इसको बैठाना है इसको पूरी तरह से सफ़ा करना होगा, पहले इस तरह से आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने लगा दिया इसको, फिर आपको इसको बोन करके फिर से टाइट करना होगा। तो इस तरह से आपको लगाना है दोस्तों, फिर इसको टाइट करना होगा आपको। तो मेरे हाथ में अभी स्पिनर है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ पहले। आपको ठीक से कट करना होगा ताकि ना हिले इस तरह से, मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। बस अब जैसे कि देख रहे हो, अभी मेरा नहीं हिलता है, तो इस तरह से इसको बच गया है, तो अभी हो चुकी है। तो गैस इस तरह से आपको बदलना चाहिए, अगर आपका ओलर का साथ जो भी कम करते हैं तो धान चावल के साथ धान आता है, तो इस तरह से आपको ये बदलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।